फेक न्यूज 24। ललन से दिल्ली से वापस आते ही पटना एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी बातें कह दी कि मीडिया कर्मी भी चुप्पी साधे। जी हां, ललन सिंह ने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जिस तरह से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और विकसित बिहार का सपना देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसे पूरा करेंगे। जिस तरह से आए दिन बिहार के बारे में सोचे और पूरे सांसदीय दल के बीच उन्होंने बिहार का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में लगातार अब काम को लेकर कार्यों को लेकर के निसाधन शुरू हो जाएंगे और जिस तरह से बिहार का विकास होगा वो भी देखने लायक होगा। इसी बीच ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पे कटाक्ष भी किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये भी बात का जिक्र किया कि मुझे जो कार्य मिला है मैं उसे निष्ठापूर्वक करूंगा और इसमें मेरी या मेरी पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है। और उन्होंने तेजस्वी यादव ने जो बयान किया था कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है, उस पर भी उन्होंने जबरदस्त और जोरदार हमला बोला है। आइए हम आगे भी साझा करते हैं। केंद्र में पंचायती राज व पशुपालन मंत्री संभालने के बाद मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को पटना पहुंचे और एयरपोर्ट परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसे वह निष्ठापूर्वक निभाएंगे और विभाग को लेकर या फिर उनके दल को किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। मालूम हो कि विभाग आवंटन को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री ने बिहार को झुंझुना थमा दिया है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान पर ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता है। ललन सिंह ने कहा कि वह गुलदस्ते लेने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए मंत्री बने हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। अपराधी किसी को गोली मार सकता है, अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री सहित सरकार के किसी भी मंत्री को बढ़ते अपराध की चिंता नहीं है। तेजस्वी ने शुक्रवार को यहां कहा कि बेगूसराय में सरकारी अपराधियों ने तांडव किया और दुष्कर्म के बाद एक युवती की हत्या कर दी। जब चाहे जहां चाहे अपराधी किसी को भी गोली मार रहे हैं और मुख्यमंत्री सहित सरकार के किसी मंत्री को बढ़ रहे अपराध की चिंता नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या की यह घटना दिन दहाड़े हुई। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से ललन सिंह ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मुझे जो कार्य मिला है मैं उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा, और वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए एक मुहावरे के तौर पर अपने बातों को व्यक्त किया। उसी बीच तेजस्वी यादव का ये बयान भी आ रहा है कि अब बिहार में अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है और जो मंत्रीगण है, मंत्री परिषद जो है, वो चुप्पी साधे हुए हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, किसी को ये चीजें क्यों नहीं दिख रही है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, बिहार में एक नई पहल की बात करते हैं, क्या यही ये पहल है? जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो जनता भी काफी प्रभावित होती है। जिस तरह से जनता के मन में ये बातें जाती है कि क्या वाकई दिन दहाड़े ऐसी हत्याएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, यह कहीं ना कहीं समाज को एक दुष्कर्म की ओर ले जाता है। समाज में इस तरह की चीजें होती है तो इससे एक सामाजिक गतिविधि जो है वो भी रुक सी जाती है। और तेजस्वी यादव इस तरह की बातें सामने ला रहे हैं, लोगों के बीच रख रहे हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो सही नहीं है। तो देखना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मंत्री परिषद क्या वाकई इस पे कार्यवाही करते हैं, इसके खिलाफ कदम उठाते भी हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।